आयुष्मान कार्ड सब 2018 से अन्ना शुरू हो गया। जिन लोगों के बने उन लोगों को काफी लाभ मिला। ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये राज्य स्तर पे भी काम करता है। इससे उन लोगों को राहत मिलती है जो लोग गरीब है, जो लोग इलाज नहीं करवा सकते, कोई बड़ी गंभीर बीमारी है तो इस कार्ड को दिखा करके किसी भी अस्पताल में उसका इलाज हो जाता है। लेकिन काफी सौ लोग वंचित भी रहे हैं। इसका कारण रहा है कि लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं रहा है। लेकिन अभी मैं मटका स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है सरकार के द्वारा और ये अभी 8 तारीख तक चलेगा। आपका कार्ड बना है? अच्छा, आपके परिवार में? मेरा अभी इसका लाभ मिला है आपको? इसका कोई लाभ नहीं। अभी जरूरत पड़ी? कुछ पैसा लगा था इसको बनवाने में? कहाँ बनवाया था आपने? तो किन लोगों को ज्यादा फायदा मिल सकता है, आपको क्या लगता है? नहीं, यहाँ पे जैसे बनवाने में कोई दिक्कत हो दिख रही है? बताया सर ने अच्छे से? अच्छा, ऐसे कैंप हर जगह लगानी चाहिए सरकार को कि नहीं? अभी तो मेरा गांव में लगा हुआ है, स्कूल में लगा हुआ। यहाँ पे क्या करने आए थे आप? यहाँ पे आए आपका नहीं बना? नहीं बना। जब बाहर से आ रहे हैं? हाँ, बाहर से। कहाँ से? इधर से, आरा से आ रहे हैं। आरा से जॉब करके लौट रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, इस तरह की सुविधा मिल जाने किस तरह की खुशी है? खुशी बहुत। क्या खुशी महसूस हो रही है? आसानी नहीं चलना पड़ता। जी, इतने सालों में कभी नहीं बनवाया? पहली बार बनवा रहे हैं। कोई पैसा लग रहा है? मेरे घर में ऐसे दो लोगों का है, लेकिन अभी सबका नाम जुड़वाना बाकी है। मेरी माँ का उम्र पार हो चुका है, इसीलिए माँ का नहीं बन पाया है। लेकिन अब इसमें तो उम्र का कोई वो नहीं रहता है। अब तो मैं तो ये सब चीज़ों में मुझे पता भी नहीं था क्या है नहीं है, ये तो आप बताई तो मैं जान भी गई। बहुत पहले बस माँ मेरी जो है वार्ड पार्षद द्वारा बनाया जाता था, तो उसी में उन्हें पता चला कि उनकी उम्र निकल गई है, नहीं हो पाएगा। मुझे जो मेरी माँ बोली वो मुझे जानकारी है। तो अभी आप जैसे लगा है पटना जंक्शन में, तो अभी आप जाएंगे मम्मी को लेकर के बनवाने के लिए? बिल्कुल जाएंगे, मम्मी को लेकर जाएंगे और बनवाएंगे, क्योंकि देखिए बीमारी कब किसे हो जाए कोई नहीं जानता है। गरीब लोगों को 5 लाख का अगर मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है कि गरीब लोग ये तो परेशान नहीं रहेंगे हॉस्पिटल में जाने के बाद। प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, वहाँ उनकी इलाज जो है फ्री में किया जाए। सर, ये कैंप लगाने का मेन उद्देश्य क्या है? लोगों का आयुष्मान कार्ड बन जाए, और आयुष्मान कार्ड बन जाएगा तो लोगों का 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज हो सकेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा के कारण इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, मर जा रहे हैं। उनका सरकार ऐसा चाह रही है कि पैसा के कारण दिक्कत ना हो, उनका कार्ड बन जाए इलाज। कैंप हर दिन सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक चलता है, 6 घंटे तक। इसमें कौन कौन से लोग अपना कार्ड बनवा सकते हैं? कोई भी लोग जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, अपने अंगूठे से राशन उठा रहे हैं, उनका इस लिस्ट में नाम रहता है, इस लिस्ट में नाम दिखता है, हम लोग उनका KYC करके बनाते हैं। ये आने रेलवे स्टेशन भी इसलिए लगाया गया ताकि लोग जो बाहर ही लोग आते हैं उनके लिए स्पेशल तौर से। कहीं का बन सकता है, बिहार का हो या दूसरे स्टेट का भी हो, बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड, राशन कार्ड का जरूरत है, राशन कार्ड में उनका नाम होना चाहिए। ज्यादातर लोग आधार कार्ड लेकर के चलते, राशन कार्ड तो नहीं लेके चलते। आधार कार्ड का फोटो भी रहेगा तो चलेगा, आधार कार्ड का नंबर भी रहेगा तो चलेगा, कोई भी नंबर सभी हो जाता है। इस कार्ड लगाने का मेन उद्देश्य क्या है? तो पहले से भी चल रहा है ना? देखिए, उद्देश्य यही है कि अभी छठ में दीपावली में लोग आ रहे हैं बाहर से, उन लोगों को नहीं बन पाया है, नहीं जानकारी है, तो लोग को जागरूक करके बनवा दिया जाए। गांव में इस तरीके का सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है, राजधानी है, यहाँ सुविधा दे दिया जा रहा है, मिल जाएगा। काम खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।